दोस्तों जी आप सामने देख रहे हैं यही है मचकुंद गुफा जहाँ की श्री कृष्ण आए थे और यही वो अंदर गए थे, तो आप हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं मचकुंद गुफा देखने के लिए जो कि श्री कृष्ण की जीवन से जुड़ी हुई गुफा है, तो आज हम उसको देखने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। मचकुंद गुफा जाते समय दोस्तों यही कच्चा रास्ता और पथरीला रास्ता आपको मिलेगा, साथ ही आसपास आपको बहुत सारा जंगल दिखाई देगा, तो यह जंगल वाला इलाका है। और दोस्तों यहाँ से हम सीधे मचकुंद गुफा की ओर जाएंगे और मचकुंद गुफा में हम वो गुफा देखेंगे जहाँ पर ऋषि मचकुंद तपस्या कर रहे थे। तो दोस्तों लास्ट ब्लॉग में हम आए हुए थे रणछोड़ धाम, और रणछोड़ धाम से मचकुंद गुफा क्षेत्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों हमने आप रणछोड़ धाम का ब्लॉग बनाया हुआ है जिसकी लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख लें। तो दोस्तों आपको बताएँ अब हम मचकुंद गुफा की तरफ जा रहे हैं जो कि रणछोड़ धाम से 3 किलोमीटर दूर है, और यहाँ का जो रास्ता है वो थोड़ा जंगल वाला रास्ता है और थोड़ा ऊबड़ खाबड़ और कच्चा पथरीला रास्ता है जहाँ से हम मचकुंद गुफा क्षेत्र की ओर जाएंगे। तो दोस्तों मचकुंद गुफा की अपनी एक कहानी है दोस्तों, आपको बता दें कि मचकुंद गुफा में ऋषि मचकुंद तपस्या में लीन थे और श्री कृष्ण ने इस गुफा में क्यों आए थे आपको इस बारे में भी हम बताएंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। मचकुंद गुफा से जुड़ी हुई कहानी ऐसी है कि दोस्तों जब मथुरा पर कालेवन नाम के राक्षस ने हमला किया था तो श्री कृष्ण उस कालेवन राक्षस से युद्ध ना करते हुए वहाँ से भाग गए थे और भागकर वह इस क्षेत्र मचकुंद गुफा क्षेत्र में आए। तो दोस्तों श्री कृष्ण कालेवन राक्षस से युद्ध ना करते हुए इस क्षेत्र में क्यों आए थे, तो आपको एक बात बता देते हैं कि कालेवन राक्षस जिसको कि शिव जी का वरदान प्राप्त था कि उसे कोई हरा नहीं सकता था, और श्री कृष्ण जी अगर उसको हरा देती तो शिव जी का वरदान विफल हो जाता, इसलिए श्री कृष्ण उससे युद्ध ना करते हुए वहाँ से भाग गए और वो इस मचकुंद गुफा में आ गए। आपको बता दें दोस्तों कि मचकुंद गुफा में श्री कृष्ण इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पर राजा मचकुंद या जिनको ऋषि मचकुंद भी कहते हैं वो यहाँ पर गहरी तपस्या में लीन थे, और ऋषि मचकुंद को एक वरदान उनको जो प्राप्त था कि अगर कोई उन्हें इस गहरी तपस्या से जगाता है तो वो इंसान उसी समय भस्म हो जाएगा, उसी समय उसका विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे और उनके पीछे कालेवन राक्षस भी मचकुंद गुफा तरफ आ गया था।
तो दोस्तों जब श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर ऋषि मचकुंद गहरी तपस्या में लीन थे। तो श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर वस्त्र उनके ऊपर डाल दिया था और जाकर वह गुफा में एक जगह छुप गए थे। और जब कालेवर राक्षस इनका पीछा करते हुए गुफा के अंदर प्रवेश किया तो उसने ऋषि मचकुंद जिनके ऊपर श्री कृष्ण का पीतांबर वस्त्र डला हुआ था उसको देखकर उन्हें लगा कि श्री कृष्ण ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उसने उन ऋषि मचकुंद को तपस्या से जगा दिया और जैसे ही ऋषि मचकुंद तपस्या से उठे तो उन्होंने कालेवन की तरफ देखा और कालेवन को देखते ही सीधे ही कालेवन भस्म हो गया। और इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति से अपनी चतुराई से कालेवन राक्षस का वध कर दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर चारों तरफ का माहौल देख सकते हैं, चारों तरफ आपको एक अलग ही व्यू दिखाई देगा। यहाँ पर चारों तरफ आपको पेड़ पौधे और पहाड़ दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको कुदरत की सुंदरता और प्रकृति की मनमोहक दृश्य जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपका मन मोह लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आकर आपको अद्भुत शांति का अनुभव होगा। और जो लोग ऐसी जगह है जहाँ पर पहाड़ है पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर आना पसंद करते तो उनके लिए यह जगह बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होने वाली है। तो लोग जो भी आना चाहें वो यहाँ ज़रूर आएँ। और आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पर वो गुफा भी है जहाँ पर ऋषि मचकुन तपस्या कर रहे थे, तो हम आपको वो स्थान भी दिखाएंगे। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है, तो हम आपको हनुमान जी का मंदिर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें तो हम आपको यहाँ के चारों बात तरफ का वातावरण, चारों तरफ का माहौल और जो यहाँ का सुंदर दृश्य सब हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे। तो दोस्तों हमारे साथ चलते रहिए। तो दोस्तों हम चल रहे हैं और आपको इस जगह के दर्शन करवाएंगे और साथ ही इस जगह जो भी स्थान है वो भी हम आपको दिखाएंगे और आपको वो स्थान भी दिखाएंगे जहाँ पर श्री कृष्ण गए हुए थे और जहाँ पर ऋषि मचकुन तपस्या कर रहे थे तथा जहाँ पर कालेवर राक्षस का वध हुआ था उस गुफा के अंदर भी हम आपको लेकर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से जो जी गुफा देख रही है दोस्तों यही मचकन गुफा है और इस मचकन गुफा में हम यहाँ से चढ़ के जाएंगे और आपको अंदर लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पर दिखाएंगे कि क्या है। तो दोस्तों दोस्तों जैसे ही हम गुफा के अंदर जाते हैं तो हमारे सामने यह एक प्रतिमा है जो कि एक मूर्ति है जो एक लेटी हुई अवस्था में बनी हुई। यह प्रतिमा ऋषि मचकुंद की बनाई गई है। आप इनके ऊपर देख सकते हैं एक पीतांबर वस्त्र ओढ़े हुए हैं। तो यह वही दृश्य यहाँ पर बनाया गया है जो कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण यहाँ पर आए हुए होंगे और उन्होंने अपना पीतांबर वस्त्र अंग वस्त्र जो वो ओढ़े हुए थे उन्होंने इनके ऊपर ओढ़ा दिया था और जाके यहीं कहीं गुफा में कहीं छिप गए थे। और जब कालेवन राक्षस यहाँ पर आया तो उसने ऋषि मचकुंद के ऊपर यह अंग वस्त्र देखा जो श्री कृष्ण का था। तो उसने सोचा कि यहाँ पर श्री कृष्ण लेटे हुए हैं तो उसने इनको जगा दिया और जैसे ही ऋषि मचकुंद जगे तो उनकी दृष्टि जब कालेवन राक्षस पे पड़ी तो वो वहीं पर जल के भस्म हो गया। दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं यही है मचकुंद गुफा, यहाँ की
श्री कृष्ण आए थे और यहीं वो अंदर गए थे, तो अब हम अंदर जाके आपको दिखाएंगे। देखिए हम अंदर जा रहे हैं, रास्ता बहुत ही सकरा हो चुका है। एक टाइम पे यहाँ से अंदर तक जाने का एक रास्ता था, और यहाँ से बहुत ही छोटी और बड़ी आपको यहाँ पर गुफाएं दिख रही होंगी जिसके अंदर जो रास्ता है वहाँ हम जा सकते हैं। यहाँ से सामने आप देख रहे हैं बहुत ही गहराई का यहाँ पर एक रास्ता गया हुआ है। शायद उस समय यहाँ पर भी मचकुनी जो ऋषि थे वो रहते होंगे। आप देख सकते हैं दोस्त, अभी तो हम अंदर नहीं जाएंगे, अभी हम बाहर आएंगे। अभी हम आ रहे हैं, बच के हम बिल्कुल अच्छे से बच के आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर ये हनुमान जी का जो मंदिर बना हुआ है, यह मंदिर भी बहुत प्राचीन है, और यहाँ की एक कथा भी है जो कि आपको हम बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ की ऐसी कथा है कि यहाँ पर स्वयं हनुमान जी एक समय यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, और उस समय जो यहाँ आसपास जो बेतवा नदी है उसका बहाव इस तरफ इस गुफा की तरफ आया हुआ, तो श्री हनुमान जी ने अपने एक गदा के प्रहार से बेतवा नदी का बहाव यहाँ से सीधे वापस मोड़ दिया। इसलिए यहाँ पर एक गहरी खाई बन गई है जो आपको यहाँ आसपास दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यह भी एक स्थान है जहाँ पर हनुमान जी स्वयं तपस्या कर रहे थे, तो उनसे जुड़ी यह कथा जो कि लोगों के बीच में प्रचलित है, तो वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों और भी आपको नीचे जीने जाकर हम आपको यहाँ के नीचे का जो व्यू है, जो कि हरियाली है, पेड़ पौधे हैं और पहाड़ का जो दृश्य है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ नीचे चलिए, जीने से हम नीचे उतरेंगे और आपको यह सब दृश्य दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से जुड़ी हुई यही थी जो कथाएं जो हमने आपको बता दी है। तो जो भी भक्त यहाँ पर आना चाहता है तो ज़रूर आए, और यहाँ पर आकर सबसे पहले रणछोड़ धाम मंदिर जाए। रणछोड़ धाम मंदिर में भगवान रणछोड़ यानी कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके आए, फिर वहाँ से यहाँ पर मचकुन गुफा ज़रूर आए जहाँ पर श्री कृष्ण आए थे और यहाँ पर ऋषि मचकुन तपस्या कर रहे। तो यह भी एक देवीय अलौकिक स्थान है, तथा यहाँ आकर आपको अद्भुत शांति का अनुभव होगा। यहाँ आसपास जो पहाड़ और साथ में जो पेड़ पौधे हैं और जो जंगल का दृश्य जो व्यू बनता है वो भी आपको मनमोहित कर लेगा। आपके लिए यहाँ पर आना एक बहुत ही अद्भुत अनुभव होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर ज़रूर आएँ।
तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपने घर और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों हम ऐसे ही नई अद्भुत जगहों पर जाते रहेंगे और आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।